हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल होममेड बाय होममेकर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी व्हाट नॉट। चार उबले आलू को अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे। चाहे हम इसे कद्दूकस में ऐसे कस के मैश करें, चाहे हाथों से अच्छे से इसको मैश कर लें, इसमें कोई गांठ ना रहे। आलू हमारी मैश हो गई है। इसमें अब हम आधा चम्मच नमक मिला देंगे। एक बाउल में हम एक कटोरी मटर के दाने ले लेंगे। दाने को हमने उबाल लिया है हल्का सा। उसमें हम एक महीन कटा प्याज मिला लेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल लेंगे। हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार, इस तरह हमने दो हरी मिर्च को काट महीन बारीक काट के ले लिया है। आधा चम्मच नमक, एक चम्मच अदरक लहसुन इसका पेस्ट है, और थोड़ा सा एक चम्मच खाने वाले चम्मच के नाप से एक चम्मच गरम मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। मिश्रण हमारा तैयार है। आलू की एक लोई लेके इस तरह से उसमें हम हल्का सा ऐसे गड्ढा करके फिर अपनी मटर की फिलिंग इसमें हम भर देंगे। इसको दोनों हाथों से अच्छे से रैप कर देंगे। इस तरह से हम बना लेंगे इस शेप देके। फिर इसको हम अपने सेवई के चूरे में रैप कर देंगे। इसको इतने अच्छे से रैप करें कि चारों तरफ सेवई इसमें कवर हो जाए। इस तरह से हमारे वाटरनाट बन के तैयार हुए। ये वाटरनाट हमारे बन गए हैं। इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें अपने वाटरनाट डाल देंगे। एक बार में उतने ही डालेंगे जितना आराम से इसमें आ जाए। इसको हम हल्का ब्राउन होने तक छान लेंगे। वाटरनाट बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि सेवई एकदम महीन होनी चाहिए। अगर हल्का से मोटी सेवई रहती है तो वाटरनाट अच्छे नहीं बनते हैं और ये टूट जाते हैं। गैस की फ्लेम को तेज ही रखना चाहिए, धीमे होने पे भी ये टूट जाते हैं। वाटरनाट हमारे हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। फिर जो बाकी बचे हैं उनको भी हम इसी तरह से तल लेंगे। हमारा वाटरनाट बनके तैयार हो गया है। इसे आप जरूर ट्राई करिए, फिर हमको बताएं कि आपको ये कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।